इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें, कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने इस मैच में वापसी की है तो उनका साथ दिया क्विंटन डिकॉक ने। लेकिन कोलकाता का पहला गेंदबाजी न करने का फैसला उन्हें महंगा पड़ गया। जी हाँ, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा आज मैदान में सोच कर उतरे थे कि पिछली हार का बदला आज के मैच में केकेआर से लिया जाएगा। दरअसल बात है मैच के चौथे ओवर की। गेंदबाजी पर थे वरुण चक्रवर्ती और सामने बल्लेबाजी पर थे हिटमैन रोहित शर्मा। वरुण चक्रवर्ती ने जैसे ही अपनी पहली गेंद डाली, रोहित शर्मा ने मिड ऑफ में शानदार चौका लगा दिया। जिसने भी रोहित शर्मा का यह चौका देखा वो देखता रह गया। लेकिन रोहित शर्मा यहीं कहां रुकने वाले थे, वो तो आज तूफानी बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। वरुण चक्रवर्ती ने जैसे ही अपनी अगली गेंद डाली, रोहित शर्मा ने फाइन लेग में एक और शानदार चौका लगा दिया और पूरे स्टेडियम में रोहित रोहित गूंज उठा। रोहित शर्मा की पत्नी भी रोहित की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम उठी और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले में ही 50 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें उनका बखूबी साथ निभाया क्विंटन डिकॉक ने, जो दूसरे छोर पर चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा नारायण की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और 30 गेंदों में 33 रन नहीं बना पाए। अब देखना होगा कि आने वाले बल्लेबाज किस तरह का खेल दिखाते हैं और केकेआर के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।